सब तो पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि तुसी कैटरेक्ट की सर्जरी करवाई है अपनी, तो मैंने ये दसो कि तुसी किस तरह का फील कर रहे हो आफ्टर सर्जरी? आई एम फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड रियली. माई लाइफ इज चेंज कम्प्लीटली एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर गरिमा. टू बी वेरी फ्रेंक आई हैव फुल फेथ इन हर. ओके मैम, तो सर्जरी तो पहला तो सर्जरी तो बाद का कुछ कंपैरिजन करके दसोगे सानू? सर्जरी तो पहला मैं बड़ी डरी हुई सी. आई वॉज वेरी स्केयर्ड बिकॉज मैं डार्कनेस तो बहुत डर लगता. ओके सो आई डिडंट नो व्हाट आई वॉज गोइंग इन. बट देन ऑन द अदर हैंड आई वुडंट हैव गॉन टू एनी अदर डॉक्टर बट आई हैव फेथ इन हिम आई केम. ओके मैम, मैं ये दसो कि जो थोड़ी सर्जरी प्लान की गई है, डॉक्टर साहब ने थोड़े लिए प्रोसीजर चुनिया है, थोड़ा एक्सप्लेन किया है, वो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं क्लीयर एडवाइस किया? बिल्कुल बिल्कुल नो कन्फ्यूजन, इट वॉज ऑल क्लीयर एंड आई वॉज लुक्ड आफ्टर वेरी. ओके ओके मैम, ये दसो तुसी मैनू कि जो डॉक्टर साहब ने सर्जरी लिए थानू शिफ्ट किया है ओटी के अंदर, उस टाइम पे जो माहौल सेगा ओटी के अंदर दा, वो किस तरह दा थानू लगा कि उत्थे जाके डर लग गया? नहीं बिल्कुल नहीं, आई बिल्कुल भी नहीं डर लगे. ओके नो नॉट वन बिट. हुण सर्जरी तो बाद तुसी काफी कंफर्टेबल हो? वेरी कंफर्टेबल. मैं थोनू अज देखिया तुसी टैब दे उत्ते विदाउट स्पैक्स अपना काम कर रहे सीगे, इट वाज वेरी गुड. ते तुसी किसी तरह दा कोई मैसेज देना चाहोगे इहदे बारे च कि हां जिहड़ी नई टेक्निक दे नाल सर्जरी की जा रही है? आई थिंक पीपल शुड गो इन फॉर दैट. ओके दे रियली आई मीन इट इज अमेजिंग. ओके कोई थोनू इस तरह दा तो नहीं लग रहा कि हां कि मैं कुछ ज्यादा स्पेंड कर लिया या कुछ? नहीं, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट. इफ यू हैव द मींस टू डू इट एंड गो इन फॉर दैट. ओके आई मीन इट्स आई डोंट नो द अदर वन बट दिस वाज अ वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस. ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. नो आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद डॉक्टर गरेवाल टू बी वेरी फ्रैंक.